आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, थंबनेल पढ़कर घबराए नहीं। बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की GSTR 99C की। 2 जून को 99C कौन भरता है सर? 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 7 महीने पहले 99C भरने लग जाए, ऐसा क्यों कर ले सर? मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई GSTR 9 और 9C पोर्टल पर आ चुकी है GST के, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एनुअल रिटर्न पर जाएं, एनुअल रिटर्न पर क्लिक करें फाइनेंशियल ईयर 22-23, और अगर आप देखेंगे GSTR 9 और 9C की जो डिटेल है वो आ गई है। सर फाइल करें या नहीं करें, फाइल करनी है तो किसे करनी है? तो पहले यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना होगा कि भाई जो GSTR 9 और 9C है, वैसे अभी तक अगर हम बात करें कि भाई 9 और 9C किसे फाइल करनी होती है, तो हमने अपनी इस बुक में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। सर ये बुक कैसे मिलेगी? अभी इस बुक की प्रिंटिंग होनी बाकी है, आप इसकी एडवांस बुकिंग करा सकते हो। इस बुक में हमने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो भाई जो सेक्शन 44 है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात क्या कर रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है तो ही आपको GSTR 9 फाइल करनी है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर, ठीक है ना, अप टू 2 करोड़ से है तो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो एग्जेम्प्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 10 निकाला था 2022 को। लेकिन भाई ये जो नोटिफिकेशन नंबर था ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए था, तो 22-23 के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर हमारी टर्नओवर 3 लाख 4 लाख 10 लाख है, क्या हमारे को 9 फाइल करनी पड़ेगी? अभी तक के लिए आंसर यस है। क्योंकि अगर आपने अभी नोटिस का फॉर्मेट देखा हो तो हर जो नोटिस आ रहे हैं SMT 10 आ रहे हैं उसमें 9 के डेटा से कंपेयर किया जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी पंडित ने नहीं लिख दिया, कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ कि अप टू 2 करोड़ वालों को फाइल नहीं करनी है। नोटिफिकेशन आएगी तो एग्जेम्पशन मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो एक माइंड आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। क्या आप मेरी बात से एग्री है? अगर एग्री है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्या आप लोगों को जो ASMT 10 आ रहे हैं, क्या उसमें 9 से कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए अभी हम मानकर चल लेते हैं कि भाई जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, एक बार हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। क्या क्या इसके अंदर चेंजेज है, कैसे इसे फाइल करना, जरा डिस्कस कर लेते हैं। 9 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही 9 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है आपको, पूरे साल की GSTR 1, पूरे साल की 3 भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप सिस्टम जनरेटेड GSTR 9 डाउनलोड कर सकते हो, पूरे साल की GSTR 1 कर सकते हो, पूरे साल की 3 भी कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट टेबल 8 है डाउनलोड कर सकते हो। सर ये डाउनलोड क्यों करनी है? अभी आपका ITR का सीजन भी चल रहा है, आपको ITR भी भरनी होगी, तो कम से कम अगर आपको अपनी सेल मैच करनी है तो उसके लिए GSTR 1 डाउनलोड करें। आपको अपना ITC देखना है, टेबल 8 है डाउनलोड करें। कम से कम ये टेबल्स को डाउनलोड करके रख ले, जिससे आपको ये पता लग जाए कि भाई पूरे साल में मैंने 3B में टैक्सेबल सेल कितनी दिखाई है, मैंने एग्जम सेल कितनी दिखाई है, मैंने टैक्स कितना दिखाया है, ठीक है जी। ये आप पूरे साल की 3B से डाउनलोड करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप GSTR 1 डाउनलोड कर लेते हैं तो GSTR 1 से आपको पता लग जाएगा भाई B2B की सेल कितनी है, B2C की। ये आप अपने फाइनेंशियल डेटा से ज़रूर मैच कर लें। इसके अलावा जैसे ही आप 8A डाउनलोड करते हैं तो 8A से ये पता लग जाता है कि भाई जो आपके सप्लायर हैं जिनसे आप परचेज कर रहे हो, उन्होंने टैक्स को टाइम पर जमा कर दिया है या नहीं करा, क्या उन्होंने अपनी GSTR 1 में बिल डाल दिए या नहीं डाल दिए, ये आप टेबल 8A से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं डाले तो उसे फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि भाई साहब हमने आपसे माल परचेज करा था, हमने आपके बिलों पर ITC लिया है, लेकिन ठीक है ना, आपके बिल 8A में नहीं आ रहे। अगर किसी क्लाइंट को फीस बतानी है तो कैसे बता सकते हैं? टेबल नंबर 6 में जा सकते हैं। टेबल नंबर 6 में जाके ITC चेक कर सकते हैं कि भाई आपको जो ITC है कितना आ रहा है जो आपने क्लेम करा है। लगभग अगर आप देखोगे यहाँ पर आपने, ठीक है, 4 लाख रुपए का ITC आपका आ रहा है,
जो आपने क्लेम करा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे सप्लायर ने कितना टैक्स जमा करा है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सप्लायर ने भी लगभग, ठीक है ना, लगभग 4 लाख का टैक्स जमा करा है। तो इसका मतलब इस क्लाइंट के ITC में कोई डिफरेंस नहीं है, इसने जिससे भी माल परचेज करा है सबने ITC प्रॉपर टाइम पे डाला है, इसकी Table 6A में प्रॉपर ITC आ रहा है। अगर आपका Table 6A में, ठीक है ना, ITC आ रहा है 3B से, लेकिन यहाँ पर Table 8A में जो ITC है वो कम आ रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है, ठीक है ना। आपको रिकंसिलेशन की ज़रूरत है, हमारे केस में रिकंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ITC पूरा मैच है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Table 4 में जो भी आपने सेल डाली है, जो भी टैक्सेबल सेल है, वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। उसके बाद जो आपकी एग्जम्प्ट सेल होती है वो Table 5 में लिखी हुई आ रही है, ठीक है ना जी। तो आप यहाँ से अपनी सेल्स को ज़रूर मैच कर ले, अपनी बुक्स से ज़रूर मैच कर ले, जिससे कि गड़बड़ ना हो। अगर आपको कोई ITC ऐसा है, ठीक है ना, जो आपके Table 8A, ठीक है ना, 8A में आ रहा है, लेकिन उसे आपने क्लेम अभी नहीं करा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्लेम नहीं करा, तो आप उसे Table 8C और 13 में दिखाएं। और Table 8C में दिखाने का मतलब क्या है, उसे नवंबर तक क्लेम जरूर कर ले, ठीक है ना, उसे नवंबर तक क्लेम जरूर कर ले। अगर आपका कोई टैक्स है, ठीक है ना, अगर आपका कोई टैक्स है, कोई बिल छूट गया है, ठीक है, और आप उसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में नहीं दिखा पाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी सप्लाई को Table 10 में डाल दे और उसके टैक्स को Table 14 में शो कर दे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो ये मुद्दा आ रहा है कि सर HSN वाइज समरी देनी जरूरी है या नहीं देनी जरूरी है। यह मुद्दा आपको परेशान कर सकता है, क्या सर इन्वर्ट सप्लाई की देना जरूरी है या नहीं। तो भाई इन्वर्ट सप्लाई के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो हो सकता है देनी भी पड़ जाए, ठीक है ना, हो सकता है देनी भी पड़ जाए, अभी कोई क्लैरिफिकेशन इसके अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, आउटवर्ड सप्लाई की HSN समरी आपको देनी है तो उसकी डिटेल जरूर बनाकर रख ले, ठीक है। तो ये मोटा मोटी तैयारी कर ले, ठीक है, अगर आपकी किसी की GSTR 9 सही है तो उसे फाइल करके काम को निपटा भी सकते हैं। ऐसा कोई किसी पंडित ने नहीं कहा कि 31 दिसंबर को ही फाइल होगी, ठीक है। तो अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो हमारा 9C के ऊपर सेशन है। कब है सेशन सर? इसी संडे को है, इसी संडे को हमारा वेबिनार है, ठीक है ना। तो आप ये वाला वेबिनार हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं इस वाले सेशन के लिए। अगर पूरे साल के वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं एनुअल वेबिनार की, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। GST या इनकम टैक्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकम टैक्स का ITR का बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का लाइव कोर्स है 10 दिन का, ये ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, चाहे 9 की नॉलेज बढ़ाए, चाहे GST की नॉलेज बढ़ाए, चाहे ITR की नॉलेज बढ़ाए, चाहे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की, ये नॉलेज बढ़ाकर ही काम कीजिए। अगर आप ये नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या नॉलेज बढ़ाना जरूरी है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू जी।